Hello students, welcome to the online class of Shivaji Group of Institution. Today, आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपको इस बार प्रोजेक्ट मिल रहा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, उसके बारे में. ठीक है, ये आपका इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है. अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, एम में क्या है. द प्रोजेक्ट वर्क इज डिजाइन टू डेवलप द एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. यानी कि ये जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है इससे आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी. तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, मैंने पहला वाला ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ कॉमन मेटल्स. ठीक है, यानी कि जो हमने आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ाया था ना कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो उसमें से आपको जो नेम्स है लिस्ट मेटल्स की उसको आपको लिखना है. और ये कौन करेगा, फॉर ऑड रोल नंबर. ऑड रोल नंबर समझते हो, जैसे मान लो आपका रोल नंबर 1 है, 1 वाले, 3 वाले, है ना, 5 वाले, तो ऑड वाले जितने बच्चे हैं वो सब कॉमन मेटल्स के नाम लिखेंगे. ठीक है, और कैसे लिखना है वो आपको बुक में ही, आपकी बुक में पूरा मेंशन है एक टेबल के, फिर इसमें कॉमन मेटल्स को आपको लिखना है. आपकी बुक में पूरी टेबल बनी हुई है उस हिसाब से. उसके बाद देखिए फॉर इवन रोल नंबर, इवन रोल नंबर का मतलब जिनका रोल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, वो लोग क्या करेंगे, आपकी बुक में, उसी बुक में पहले देखो मेटल्स की पूरी टेबल बनी होगी. उसके बाद क्या करना है, लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ कॉमन नॉन मेटल. अब क्या करना है, इसमें नॉन मेटल्स की जो टेबल बनी हुई है उसको आपको लिखना है. नॉन मेटल्स में हमने आपको क्या क्या बताए थे, क्लोरीन बताए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इनके टेबल बना करके इनका प्रोजेक्ट तैयार करना है. और प्रोजेक्ट आप कैसे तैयार करेंगे वो आपको एक इंटरनली फाइल पेजेस मिलते हैं, वो उसमें लिखिएगा. ठीक है, और उसको एक स्टिक फाइल में लगा लीजिएगा. ठीक है students, now I am telling you about the physics project file. So what you have to do, first question is write the SI unit of the following. आपको SI units लिखनी है इन सभी की, length, mass, time, temperature, force, pressure, area, volume. इन सभी की SI unit आपको write करनी है. और इसके लिए आप अपनी book से help ले सकते हो. आपकी book में first chapter है fundamentals unit, measuring unit या fundamentals unit है first chapter में, आप वहाँ से help ले सकते हैं and write the SI unit of the following. Second question is a make a beam balance. So this is the project of your internal assessment. तो आपको इसके लिए क्या करना है, इस तरह के कुछ थर्माकोल ग्लास लेना है और उसमें स्ट्रिंग की हेल्प से इनको बाइंड करना है. यहाँ पर होल्ड करेंगे आप फोर प्लेस पर और यहाँ पर स्ट्रिंग लगाएंगे. और आपके बुक में पेज नंबर 29 में एक फिगर दिया हुआ है बीम बैलेंस का. So you can also take the help of your elders and by seeing the diagram which is on the page number 29, make a beam balance. Okay students? Students, you can write these SI units in the interleave page and उस interleave page को आप stick file में लगाएंगे. Okay? Similar as the chemistry. Students, now I am telling you about the biology project file. बायो के प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको क्या करना है, एक हार्बेरियम फाइल तैयार करनी है. अगर आपको हार्बेरियम फाइल नहीं मिलती है तो आप कमेंट शीट और ड्राइंग शीट का यूज़ कर सकते हो. ड्राइंग शीट में आप अपने लिंक्स को पेस्ट करेंगे और कमेंट शीट में उसके बारे में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर मेकिंग द हार्बेरियम फाइल यू हैव टू कलेक्ट दीज टाइप्स ऑफ लीव्स. एटलीस्ट 10 लीव्स आपको कलेक्ट करनी है और वो लीव्स को कलेक्ट करके इनको पेपर के बीच में प्रेस करके एटलीस्ट 2 or 3 days के लिए रख देंगे, जिससे लीव्स ड्राई हो जाएंगी. नेक्स्ट आप इन लीव्स को क्या करोगे, जो ड्राइंग शीट आपने ली है उसमें इस तरह से पेस्ट कर देंगे. और पेस्ट करने के बाद उस लीव्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं इस लीव्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ नेम द लीव, तो ये कौन सी लीव है, ये है नीम लीव, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे नीम. सेकेंड, ये कौन किस तरह की लीव है, टाइप्स ऑफ लीव्स. अभी किस तरह की लीव है, सिंपल लीव है या कंपाउंड लीव है, तो ये जो लीव मैंने ली हुई है ये कंपाउंड लीव है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कंपाउंड लीव. फिर नेक्स्ट इज वेरिएशन फाउंड ऑन द लीव, किस तरह का वेरिएशन इस लीव में है, तो आप देख रहे हो इसमें किस तरह का वेरिएशन है, इसमें रेटिकुलेट वेरिएशन है. नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ लीव, अब इसमें अरेंजमेंट किस तरह का है, ये लीव्स किस तरह से अरेंज है. एज यू कैन सी हियर द अरेंजमेंट इज अपोजिट, एक यहाँ पर लीव है, सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड पे, तो ये कैसा है, अल्टरनेट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सभी लीव्स
बार इसी तरह आपको एटलीस्ट 10 लीव्स कलेक्ट करनी है और ड्राइंग शीट में, अगर आपको हार्वेस्टिंग शीट नहीं मिल रही है तो आप ड्राइंग शीट में इस तरह से लीव्स को पेस्ट करेंगे और कमेंट शीट में उन लीव्स के बारे में लिखेंगे। ये चार पॉइंट्स आप नीव हर एक लीव को ऑब्जर्व करके उनके बारे में राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।